सोदा फैक्ट्री में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा में, यहाँ पर जनता का अनुभव जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सैन डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा के लिए इन लोगों का क्या अनुभव है, क्या बताना चाहते हैं, जानेंगे इनके साथ सीधी बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? सुदेश इंसान। सुदेश जी, कहाँ से आए हो आप? सिरसा से। सिरसा से। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हैं? 25 सालों से मैम आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ जी, लगातार आ रहे हैं। आपकी फैमिली भी आ रही है मैम? फैमिली भी आ रही है, ग्रीन एस के मेंबर भी हैं हम। कैसा अनुभव कैसा हुआ है आपका यहाँ पर, मतलब कैसा माहौल है लड़कियों की सुरक्षा को लेकर? लड़कियों की बहुत सुरक्षा है इधर, बहुत अच्छा माहौल है, लड़कियों की सुरक्षा बहुत है। कभी ऐसा लगा जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था? नहीं, वो तो बहुत गलत दिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। जो आरोप लगाए जा रहे हैं संजय के, वो सरासर गलत है, जो लगाए रहे हैं गलत आरोप लगाए रहे हैं। फिर सच क्या है, संत जी ने किया क्या है लोगों के लिए, समाज के लिए? लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है, इतना बुराइयों से निकाल रहे हैं, अच्छाइयों में डाल रहे हैं, नशा मुक्ति में कर रहे हैं। और ये जो अपने है, जरूरत लगती है मैम उनकी समाज में? बहुत जरूरत लगती है, हम तो कहते हैं एक पल भी ना लगे और जल्दी आ जाए, इतनी जरूरत है उनकी। क्यों जरूरत लगती है, मतलब ऐसा उन्होंने क्या किया है समाज हित के लिए? जो गलत नशों में निकाल रहे हैं, बच्चों के अच्छाइयों में डाल रहे हैं, जो नौजवान जो नशा कर रहे हैं उनको डाल रहे हैं अच्छाइयों में, बहुत अच्छा लगता क्या है। मांग करोगे सरकार से? सरकार से मांग करेंगे कि हमारे गुरुजी जल्दी से जल्दी वापस आए, ये सरकार से मांग करेंगे। बहुत जरूरत है उनकी, समाज को उनकी जरूरत है, संत जी की डिमांड लगातार सरकार के माध्यम से ये जनता कर रही है, सरकार को ये मांग कर रही है कि संत जी समाज में आने चाहिए। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट टाइप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।